हेलो दोस्तों, अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर नामक चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम समझेंगे अल्कोहल फिनॉल और ईथर का नाम पद्धति अर्थात नोमेनक्लेचर। तो वीडियो को एंड तक देखिए, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि फिनॉल और ईथर और जो आपका अल्कोहल होता है इनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, उसमें मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से कि फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है और अल्कोहल क्या होता है। अब हम समझेंगे नाम पद्धति नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है, समझिए इसको ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल का नामकरण। सबसे पहले हम अल्कोहल का नामकरण करना सीखते हैं। दोस्तों, इसमें दो बातें आती है। पहली बात आती है दोस्तों सामान्य नाम कॉमन नेम, और सेकंड आती है आईयूपीएसी नाम आईयूपीएसी नेम। समझना बात को ध्यान से। सामान्य नाम में दोस्तों जो आपके अल्कोहल होते हैं, इस अल्कोहल का नाम जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा दोस्तों एल्किल अल्कोहल से। मतलब सिंपल इसका नाम लिखा जाएगा एल्किल अल्कोहल। एल्किल का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला और अल्कोहल का मतलब होता है OH समूह, ठीक है। जिनको कल वाला वीडियो देखा हो वो उनको पता है एल्किल अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल क्या होते हैं। अब दोस्तों हम लोग CH3OH का नामकरण स्टार्ट करते हैं सामान्य नाम। एल्किल मतलब कार्बन श्रृंखला, अल्कोहल मतलब OH। तो आपको पीछे तो अल्कोहल जोड़ना है सामान्य नाम में, ये फिक्स बात है, बट एल्किल की जगह कार्बन की संख्या आएगी। जैसे इसमें इस एग्जांपल में कार्बन की संख्या एक है, तो एक के लिए हम लिखते हैं दोस्तों मेथ। तो मेथ से क्या हो जाएगा, मेथिल, मेथिल, ठीक है। और OH के लिए हम क्या लिखेंगे, अल्कोहल। तो फिर इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल इसका क्या नाम होगा, कितने कार्बन है, दो कार्बन है। आपको कार्बन की संख्या पर ही ध्यान देना है। तो कार्बन की संख्या दो है, दो के लिए हम लिखते हैं एथ, और एच से यहां पर एल्किल, एल्किल से हो जाएगा एथिल, एथिल, और OH के लिए अल्कोहल। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल। आ रही है बात समझ में। इसका नाम देखो कितने कार्बन की संख्या है, चार, चार के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, और यहां पर हो जाएगा ब्यूटिल, और OH के लिए अल्कोहल। तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूटिल अल्कोहल। दोस्तों अगर मैं आईयूपीएसी नाम की बात करूं, आपको समझ में आ चुका होगा सामान्य नाम। ये जो पोर्शन था ये है सामान्य नाम का एग्जांपल, ठीक है। ये सारे एग्जांपल है आईयूपीएसी नाम के एग्जांपल। इसको वापस समझ लीजिए, सामान्य नाम में हम लोग एल्किल अल्कोहल सामान्य लिखते हैं। एल्किल मतलब कार्बन की श्रृंखला, जैसे कार्बन एक है तो उसके लिए लिखेंगे मेथिल, ठीक है, दो है तो एथिल, तीन है तो प्रोपिल, चार है तो ब्यूटिल, पीछे अल्कोहल जोड़ते जाना है OH के लिए। ये सामान्य नाम की बात हो जाएगी, ठीक है। अब आईयूपीएसी नाम की बात कर लेते हैं। दोस्तों आईयूपीएसी नाम जो होता है इसके यदि हम बात करेंगे तो इसमें OH समूह का अनुलग्न जो होता है वो होगा ऑल। OH मतलब अल्कोहल, और अल्कोहल समूह होता है इसका सफिक्स जो होता है, अनुलग्न जो होता है वो क्या होता है, ऑल होता है, ठीक है। सबसे पहले काम करेंगे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, और चयन करके फिर अंकन डालेंगे, अंक डालेंगे, नंबर डालेंगे कार्बन की संख्या पर, और नंबर वहां से डालेंगे जहां पर OH समूह होता है वो समीप हो, पास में है, या सबसे कम नंबर उसको मिलना चाहिए, ठीक है। OH समूह की संख्या एक से अगर अधिक हो तो उसकी जगह पर हम डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम एग्जांपल समझते ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, ठीक है, फिर क्या करेंगे, अंकन डालेंगे। अंकन वहां से डालेंगे जहां पर OH की संख्या को कम से कम नंबर मिले, समीप हो। यहां से अंकन करते हैं 1, 2 और 3, तो दूसरे नंबर पर आ रहा है OH। अगर पीछे से अंकन करते तो 1, 2, 3, तो भी दूसरे नंबर पर आता है, तो दोनों सही है, ठीक है। अब तो नाम लिखो सीधा। सबसे पहले आपको लिखना होगा दोस्तों कार्बन श्रृंखला का नाम, कार्बन की श्रृंखला, क्योंकि OH होता है क्रियात्मक समूह होता है, और क्रियात्मक समूह का हमेशा नाम लिखा जाता है पीछे, सबसे पीछे, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह आपका OH होता है, उसका नाम पहले लिखेंगे, और इसका भी क्या यूज करेंगे हम लोग, अनुलग्न ऑल यूज करेंगे। तो तीन कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों, प्रॉप, और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। फिर क्रियात्मक समूह का नाम कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तो दो, और क्या लिखते हैं OH के लिए आईयूपीएसी नाम में, ऑल,
सिंपल है, आ गया समझ में। प्रोपेन तीन कार्बन के लिए, OH दूसरे नंबर पर है, और OH के लिए हम अनुलग्न क्या लगाते हैं, ऑल। आसान है, इसको समझते हैं। इसमें हम लोग पहले लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करो इन्हें करो, अब तो फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आ चुका होगा। इसको नंबर देंगे 1, इसको नंबर देंगे 2, या फिर आप उसको ऊपर से नंबर दे सकते हो, कोई बात नहीं है, 1 और 2, क्योंकि यहाँ पर दोनों OH होंगे वो दोनों कार्बन पर है, तो समीप की तो बात ही नहीं रहेगी, कम संख्या मिलने की, दो ही कार्बन है। नाम कैसा होगा, देखिए दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, तो दो कार्बन के लिए लिखते हैं दोस्तों हम लोग एथ, और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, एथेन। और यहाँ पर बात है दो OH, और यहाँ पर वही बात बोली गई कि OH की संख्या अगर एक से अधिक हो तो उसकी जगह पर डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दो हैं, कौन कौन से नंबर पर है, पहले पर और दूसरे कार्बन पर, तो उसकी संख्या लिखेंगे हम लोग 1 और 2। कितने हैं, दो, क्या लिखेंगे, डाई। कौन है, OH, OH का अनुलग्न, ऑल। दोस्तों हालांकि ये IUPAC नामकरण में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखा है, बट क्या है कि चैप्टर हमने स्टार्ट किया तो बीच में आ रहा नाम पद्धति, उसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको चैप्टर भी पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, आसान से। ये इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखो OH यहाँ पर लगा हुआ है, अब यहाँ पर लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना जरूरी है, OH को कम संख्या मिलनी चाहिए, तो हम नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, अंकन यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2 और 3। यदि ऐसे करते हैं तो यहाँ पर एक आपका जो CH3 होता है प्रतिस्थापी के रूप में आता है, ये दोस्तों अब कहलाएगा आपका प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कौन होते हैं, तो दोस्तों जैसे कि आपका FClBr ऐसा लगे होता है ना, वैसे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वो लग जाएगा इस पर CH3, तो ये आपका एक प्रतिस्थापी का काम करेगा, बाकी OH आपका एक क्रियात्मक समूह होगा। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो पहले प्रतिस्थापी का इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है और सबसे बाद में क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाता है, और बीच में साइक्लो, जैसे बेंजीन होती है ना उसकी रिंग होती है, इसको साइक्लो यूज़ करते हैं, और कार्बन संख्या का नाम लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, तो CH3 को हम बोलते हैं दोस्तों मैथ, और ये प्रतिस्थापी समूह के रूप में आया है, पूरा तो लिखो भैया, प्रतिस्थापी समूह, तो प्रतिस्थापी समूह के रूप में आया है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल, जैसे यहाँ पर था ना वैसे, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, ये भूल गया था मैं, दो नंबर है उस पर है मेथिल। फिर किसका नाम लिखते हैं, कार्बन संख्या कितनी है, तीन, तीन के लिए लिखते हैं प्रोप, और कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, तो हो जाएगा प्रोपेन। OH कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर, तो हो जाएगा 1 ऑल, ठीक है, आसान है। इसकी हम बात करते हैं, इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो भैया, 1 2 3, इधर दो हैं, 1 2, तो ऊपर से नीचे तक आपका लंबी कार्बन श्रृंखला आ जाएगी। नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से करो 1 2 3, ठीक है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर एक तो आपका प्रतिस्थापी के रूप में आ रहा है CH3, और क्रियात्मक समूह है आपके दूसरे नंबर पर। नीचे से स्टार्ट करते काउंटिंग, तो भी आपका दूसरे नंबर पर ही आता क्रियात्मक समूह, सही है, दोनों तरफ लिखो जैसा यहाँ पर लिखा है वैसे लिखना है। प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखना, दूसरे नंबर पर है, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल। कितने कार्बन हैं, तीन कार्बन, क्या हो जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। लेकिन अब की बार देखो यहाँ पर वैसे सेम ही है, बट ये पहले नंबर पर है और ये दूसरे नंबर पर OH, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 ऑल। आ रही है बात समझ में, तो बहुत आसान है दोस्तों, बस आपको ध्यान रखना है पड़ेगा स्टेप। दोस्तों ये हो जाएंगे इसके IUPAC नाम और सामान्य नाम। अब हम बात करते हैं कि जो चक्रीय अल्कोहल होते हैं, मतलब बेंजीन के ऊपर या फिर कोई साइकिल है, वलय है, उसके ऊपर अगर OH समूह है, तो फिर उसका नामकरण कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम समझते हैं जो चक्रीय अल्कोहल होते हैं इनका नाम कैसे लिखते हैं। इसके अंदर दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। चक्रीय के लिए आपको यूज़ करना होगा साइक्लो। दोस्तों अभी मैंने आपको जस्ट बताया था बेंजीन के ऊपर OH, हालांकि ये चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है तो मैंने ये गलती से बोल दिया था, हालांकि इसमें वलय होती है। बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में एक्चुअली दोस्तों डबल बॉन्ड होता है, वलय तो होती है, उसके साथ साथ में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है। ये चीज़ आपको फिनोल के अंदर देखने को मिलेगी, अल्कोहल के अंदर नहीं बताएगी, ठीक है इसमें।
तो बेंजीन होता है इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है इसमें, कोई भी वलय के अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, तो ठीक है ये ध्यान रखना। साइक्लो का प्रयोग करेंगे। सेकंड बात ये है कि OH समूह जो होता है वो जिस कार्बन पर जुड़ा होगा उस कार्बन को आपको नंबर देना होगा एक, वही तो बात हमने आगे भी की थी, ठीक है, उस कार्बन को आपको नंबर देना है कितना, एक, चाहे वो वलय में हो तो भी। OH समूह अगर वलय पर नहीं जुड़ा होता है, बात को इम्पोर्टेंट है समझना ध्यान से, ये तीसरी बात इम्पोर्टेंट है, अगर OH समूह होगा वलय पर रिंग पर उपस्थित नहीं होता है तो दोस्तों तब पूरे वलय को हम क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी मानेंगे, क्या मानेंगे इसको, प्रतिस्थापी मानेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे पहली बात ये है कि यदि दोस्तों OH समूह वलय पर जुड़ा है तो कोई बात नहीं, आपको ये वाले दोनों जो पॉइंट होते हैं उसको फॉलो करने हैं। OH समूह वलय पर लगा हुआ है तो दोनों फॉलो आपको फॉलो करने, दोनों बातें इसमें ध्यान रखने, क्या बात, OH समूह ये आपका जो वलय बेंजीन नहीं वलय होता है इस पर नहीं जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है और कार्बन फिर वलय से जुड़ा हुआ है, आ रही बात समझे, तो इसमें आपको ध्यान देने की बात है तीसरी वाली, इसमें आपको ध्यान देने की है तीसरी वाली। तो दो एग्जाम्पल आपको सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए काउंटिंग कहाँ से करेंगे, OH समूह जहाँ से जुड़ा होगा तो वहाँ यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब तो लिखो इसको, पहले किसका प्रयोग करेंगे, साइक्लो का, साइक्लो। अब दोस्तों कार्बन की संख्या कितनी है, तो जहां जहां कौन है वहां पर कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स, और कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो हो जाएगा हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद में OH का नाम लिखना है, OH का नाम किसे अनुलग्न क्या हो जाएगा उसके लिए, ऑल, कौन से नंबर पर है, पहले पर, तो चाहे आप इसको पहला लिखो या नहीं लिखो तो सीधा लिख सकते हो हेक्सेनॉल, ठीक है, हेक्सेनॉल, 1 लिखो नहीं फर्क पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा हेक्सेनॉल, मैं सीधा लिख देता हूँ, हेक्सेन प्लस ऑल, तो हेक्सेनॉल संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, इसमें हेक्सेनॉल, इसका देखते हैं। OH को आपको नंबर देना है फर्स्ट, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कार्बन है ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है, तो ये एक प्रतिस्थापी है, जैसे आपने अभी आगे जस्ट देखा था ना वैसे CH3 प्रतिस्थापी था, उसी प्रकार से ये भी प्रतिस्थापी है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे हम लोग, ठीक है, तो कितने कार्बन है, 2, 2 के लिए हम क्या लिखते हैं एथ, और ये प्रतिस्थापित क्या हो जाएगा एथिल, कौन सा नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तो लिखो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, 2-ethyl, ओके। अब लिखेंगे वलय का नाम, साइक्लो, वलय के लिए आपको साइक्लो यूज करना है, एथिल साइक्लो, कितने कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की, 5 के लिए कौन आता है, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है सब में कार्बन कार्बन के मध्य, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है, और OH आपका पहले नंबर पर है तो सीधा इसको पेंटेनॉल भी कर सकते हो, चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हो, तो मैं 1-ol कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, 1-ol, ठीक है। अब दोस्तों हम इसका और इसका नामकरण करते हैं, देखिए ये होते तीसरी बात को फॉलो करते हैं, मतलब कि OH होता है वो जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम संख्या देंगे, नंबर देंगे, अंकन करेंगे 1, और इस कार्बन पर जुड़ा हुआ जो भी वलय है वो एक प्रतिस्थापी माना जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर जो बात लिखी वो। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, तो कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर, तो हो जाएगा 1, और इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो, साइक्लो से स्टार्ट करनी है रिंग का नामकरण, साइक्लो कितने कार्बन की चैन है, सॉरी चैन नहीं बोलेंगे, वलय, 1 2 3 4 5, 5 के लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों, पैंट, और ये एक ये प्रतिस्थापी के रूप में आया है तो उसके लिए लिखेंगे पेंटिल, क्या हो जाएगा, पेंटिन न नहीं पेंटिल, तो ये प्रतिस्थापी माना जाता है, ठीक है ऐसे। इसके बाद में इसका नाम, इसको क्या बोलेंगे, एक कार्बन को मैथ और OH को ऑल, एक नंबर पर ही है तो उसके लिए लिखेंगे मैथेन, मैथेन और 1-ol, तो इसको सीधा लिख देंगे मैथेनॉल, मैथेनॉल, ठीक है, ये इसका नामकरण हो जाएगा। इसको समझते हैं, एक बार लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लो नहीं समझ में आए तो, और अंक वहाँ से अंकन करना है जहाँ से OH को कम संख्या मिले, 1
टू थ्री तीसरे नंबर पर आ रहा है, यहाँ से करते हैं वन टू टू से टू नंबर पर आ रहा है, मतलब दूसरे नंबर पर कौन सा बेस्ट होगा, पीछे से काउंटिंग करनी बेस्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर OH वलय से नहीं जुड़ा हुआ है तो वलय एक प्रतिस्थापी के रूप में काम करेगी, और कितने वलय, कितने कार्बन की वलय हैं, तीन कार्बन, एक दो तीन, ठीक है तीन कार्बन की वलय हैं, तो इसका नामकरण पहले करेंगे प्रतिस्थापी का, थ्री पर है तीसरे नंबर पर है तो थ्री हो जाएगा साइक्लो। ठीक है, कितने कार्बन की चेन है, तीन, तीन के लिए लिखते हैं प्रॉप, और ये प्रतिस्थापी के रूप में आया है तो क्या हो जाएगा प्रोपिल। ओके, इसके बाद है कार्बन की संख्या कितनी है, चार, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और दूसरे नंबर पर है OH तो क्या हो जाएगा टू ऑल, टू ऑल, आ रही बात समझे, तो ये इसका नामकरण हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा अल्कोहल होते हैं इसके चक्रीय अल्कोहल के नामकरण, IUPAC नामकरण। अब हम समझते हैं फिनॉल और ईथर के IUPAC एंड सामान्य नामकरण, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम समझते हैं फिनॉल का नामकरण, इसमें हालांकि आप देखिए ध्यान से दोस्तों, फिनॉल होता है इसका नामकरण में हमको कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, फिनॉल फिनॉल से ही नामकरण होता है, बट इसमें ध्यान रखिए जब आप लोग सामान्य नाम लिखना चाहोगे तो सामान्य नाम में आपको स्थिति को ध्यान रखना पड़ेगा, ऑर्थो स्थिति, मेटा स्थिति और पैरा स्थिति, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी ऑर्थो मेटा पैरा होती है वो। ऑर्थो स्थिति के लिए IUPAC नामकरण की जो स्थिति होगी वो होगी क्या हो जाएगी 1-2, और मेटा स्थिति के लिए हो जाएगी 1-3, और पैरा के लिए हो जाएगी 1-4, आ रही बात समझ में। देखिए हमारे पास में पहला है दोस्तों एक बेंजीन है और उस बेंजीन के ऊपर OH समूह है, OH समूह या जो भी मेन समूह आपका बेंजीन के जिस भी सिरे से लगा हुआ उसके पास वाली जो स्थिति होगी उसको दोस्तों हम बोलेंगे ऑर्थो स्थिति। ऑर्थो स्थिति के पास वाली जो स्थिति होती है इसको बोलते हैं मेटा स्थिति, और मेटा के पास वाली स्थिति को बोलते हैं पैरा स्थिति, आ रही समझ में। ऑर्थो स्थिति, मेटा स्थिति और पैरा स्थिति, सेम इधर से भी वही होगा बेंजीन के जो भी मेन समूह जिस बेंजीन के जिस जहां से भी जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से उसके पास वाले कार्बन की स्थिति जो होगी वो होगी ऑर्थो, इसके पास वाले मेटा और इसके पास वाला पैरा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों, ये तो है सिंपल आपका बेंजीन के ऊपर OH, तो इसका नामकरण में ऑर्थो मेटा पैरा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसका सीधा नाम हो जाएगा फिनॉल। क्या नाम हो जाएगा, फिनॉल। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर दोस्तों OH समूह कौन सी स्थिति पर जुड़ा हुआ है, ऑर्थो स्थिति पर, या फिर आप लोग इसको अगर मेन मानते हो तो ऑर्थो जिस आपका OH समूह जिस का बेंजीन से जुड़ा हुआ है उसके पास वाली जो स्थिति पर कौन जुड़ा हुआ है, CH3, वो भी कौन सी स्थिति मान जाएगी, ऑर्थो। देखिए ध्यान से ना, ये इसको हमने मेन माना था जहां से वो समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने मेन माना है OH, और जहां से वो जुड़ा हुआ है उसके पास वाली स्थिति कौन सी हो जाएगी, ऑर्थो, उसके पास वाली ऑर्थो, इसके पास वाली मेटा, इसके पास वाली पैरा, इसके पास वाली ये हो जाएगी मेटा, इसके पास वाली पैरा, तो इसका नामकरण हो जाएगा दोस्तों ऑर्थो। बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग बात है, वो समझना पड़ेगा आप लोगों को। दोस्तों जब भी बेंजीन के ऊपर OH और CH3 समूह होते हैं तो फिर इसको बोला जाता है क्रिसोल, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, क्रिसोल। जब भी दोस्तों बेंजीन के ऊपर CH3 और OH समूह अगर एक साथ जुड़े होते हैं तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, क्रिसोल। क्या हो जाएगा, क्रिसोल। इसकी बात कर लेते हैं, मेटा स्थिति पर जुड़ा हुआ OH तो यहां पर हो जाएगा मेटा क्रिसोल, सिंपल है सामान्य नाम है। तो पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ है, दो है समूह तो हो जाएगा पैरा क्रिसोल। ओके, अब हम समझ लेते हैं IUPAC नाम को। IUPAC नाम को नाम को समझना है, अगर ऑर्थो पर है तो 1-2 स्थिति होगी, मेटा है तो 1-3, पैरा है तो 1-4, कैसे वो समझ देंगे। IUPAC नाम में केवल OH है तो सिंपल इसको वही लिखेंगे, फिनॉल।
बट यहाँ पर दो समूह है, सी एच थ्री भी है और ओ एच भी है। अब समझना ये कौन सी स्थिति है, ऑर्थो, और ऑर्थो के लिए क्या हो जाएगा, वन पर होगा मैन आपका ओ एच समूह या जो भी फिनॉल होगा वो, और दूसरे नंबर पर कोई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर है सी एच थ्री तो दूसरे नंबर पर कौन है, सी एच थ्री, ये है प्रतिस्थापी, तो इसको क्या बोलेंगे, मैथिल, तो यहाँ पर हो जाएगा टू मैथिल। और अब कौन बचा, बेंजीन के ऊपर केवल ओ एच, तो बेंजीन के ऊपर केवल ओ एच, इसको बोलेंगे फिनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। आसान है, टू इसको अगर वन मानते हो, चलो भैया नंबर भी डाल देते, वन होगा इसको टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टू मैथिल फिनॉल पूरे को, इसमें देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नहीं पता चला है तो आप देख सको, मैठा स्थिति है तीसरा नंबर, पैरा स्थिति चौथा नंबर, तो वन टू थ्री और फोर फाइव सिक्स, ठीक है, लिखते रहो थ्री मैथिल मैथिल फिनॉल, थ्री मैथिल फिनॉल, फॉर मैथिल फिनॉल बेंजीन के साथ ओएच, फॉर मैथिल फिनॉल, आ रही बात समझे। अब दोस्तों हम समझते हैं कि यदि सी एच थ्री नहीं होता और ओएच ही अगर एक से ज़्यादा होते तो फिर इसका नामकरण कैसे करते हैं? वो हम लोग समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट दोस्तों। अब हम समझेंगे कि यदि दो ओ एच समूह स्थिति, अगर हम वन टू वही बात है ऑर्थो वाली, वन थ्री मेटा वाली, वन फोर पैरा वाली, डाई ओल कहा जाता है, मतलब अगर दो ओ एच समूह हैं तो फिर कौन कौन सी स्थिति पर हो सकते हैं, आपके सामने लिखी हुई तीन स्थितियाँ, वही ऑर्थो मेटा पैरा वाली स्थितियों पर, तो इसका नामकरण हम डाई ओल से करेंगे। अब इसमें समझना है आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है, देखिए दोस्तों हम किसी एक को मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं तो वन और टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, इसको वन मान लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसको वन मान लेते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। अब देखिए इसका नामकरण कैसा होगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर ओ एच होता है वो तो क्रियात्मक समूह है, अब बेंजीन का नाम पहले लिखना पड़ेगा और बेंजीन को बेंजीन ही कहते हैं, सिंपल, अगर सिंपल है ना तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, बेंजीन ही तो कहेंगे और क्या, ये आपका बेंजीन होता है, तो ये हो जाएगा बेंजीन और क्रियात्मक समूह दो हैं। अब यहाँ पर फिनॉल नहीं लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि फिनॉल इसलिए नहीं लिखा जाएगा दोस्तों क्योंकि ओ एच समूह दो हैं, तो हम किसको पहले माने, मतलब किसको मुख्य माने, तो ये फिनॉल क्या जाएगा, ठीक है, तो इसमें फिनॉल नहीं लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे सिंपल, और फिर जो भी स्थिति है दो ओ एच समूह की उस स्थिति का हम अंकन और डाई ओल के साथ लिखेंगे, तो एक है फर्स्ट पर और दूसरा है सेकंड पर, तो क्या हो जाएगा वन टू डाई ओल, आ रही है बात समझ में, ओके, इसका बेंजीन वन थ्री डाइओल, वन थ्री डाइओल, आ रही बात समझे, इसका बेंजीन वन फोर डाइओल, बेंजीन वन फोर डाइओल, ओके, तो ये इसके नाम आईयूपीएसी नामकरण हो जाएंगे दोस्तों। इसमें थोड़े सामान्य नाम होते हैं ना, वो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, अगर मैं इसके सामान्य नेम की बात करूं तो इसका जो नेम होता है वो हो जाएगा दोस्तों कैटेकॉल, अगर दो ओएस समूह एक ऑर्थो स्थिति पर, स्थिति इनकी वन टू है, तो ऐसे को बोलते हैं कैटेकॉल, कैटेकॉल, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है कैटेकॉल, और अगर स्थिति वन थ्री है तो फिर इसको बोला जाता है
रिसोर्सिनॉल, ठीक है। और अगर स्थिति 1,4 है तो इसको कहा जाता है हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, इसको कभी कभी क्विनोल भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो ये आपको सामान्य नेम होता है, याद रखने पड़ेंगे। तो बाकी यहाँ पर ये फिनोल होता है, इसका नामकरण खत्म हो जाता है। अब ईथर के छोटे मोटे नामकरण हम लोग समझ लेते हैं, देखिए वीडियो को एंड तक। दोस्तों अब हम समझते हैं ईथरों का नामकरण, इसमें बहुत आसान है अगर आप लोग ध्यान दोगे तो। देखिए सामान्य जो नाम होते हैं उसमें हम लोग एक तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखेंगे, मतलब अल्फ़ाबेट के हिसाब से। इसमें ईथर होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं असममित ईथर और एक होता है सममित ईथर। असममित ईथर का कहने का मतलब ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन, ऑक्सीजन के इधर दो कार्बन, तो असममित ईथर। सममित ईथर ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, सममित, बराबर दोनों में, ठीक है। अगर असममित है ईथर, इसके लिए एल्किल ईथर और सममित के लिए भी एल्किल ईथर ही लिखेंगे। बट फर्क क्या है? फर्क दोस्तों इसमें हम एल्किल ईथर से लिखेंगे, लेकिन सममित में हम लोग दोस्तों किससे लिखेंगे? डाई का प्रयोग करेंगे इसमें। समझते हम लोग। देखिए दोस्तों इसको कहा जाता है मेथिल, इसको कहा जाता है एथिल। दो कार्बन को हम कहेंगे एथिल, इसको कहेंगे मेथिल, आप लोगों ने पढ़ रखा है आगे, ठीक है, इसको मैंने बताया बहुत बार। तो एथिल में ए आ रहा है और मेथिल में एम आ रहा है, कौन पहला आएगा अल्फाबेट के हिसाब से? एथिल पहला आएगा, तो एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, एल्किल ईथर, एल्किल ईथर, ठीक है। इसका देखो इधर क्या है, मेथिल, इधर क्या है फेनिल। फेनिल क्यों? बेंजीन है दोस्तों, बेंजीन होता है, इसके दो तीन नाम होते है ना, चाहे आप इसको बेंजीन कहो, चाहे आप इसको फेनिल कहो, चाहे आप इसको एरिन कहो, अरे वो समझे, एरिन मतलब वही चीज़ है। तो यहाँ पर इसको फेनिल बोलते हैं, यह मेथिल। फेनिल में दोस्तों पी ई आएगा, ठीक है, पी एच आएगा, फेनिल, फेनिल ऐसे होता है, जैसे फिनोल होता है ना, पी एच, तो पी बाद में आएगा और मेथिल पहले आता है, ठीक है, एम पहले आता है, तो हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर। इसका नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर। ये हम सामान्य नाम की बात कर रहे हैं, ठीक है, आईपीएस नाम नहीं है। इसमें देखो इसमें हमको क्या करना है, समान समान है, कुछ नहीं करना है, डाई के साथ लिखो, इसको क्या बोलते हैं मेथिल, और ये भी क्या है मेथिल, दो मेथिल, तो क्या लगा देंगे हम लोग, डाई, डाई मेथिल, और लास्ट में ईथर। सममित में ऐसा ही करना है आपको। इसमें देखो दो कार्बन, इसमें देखो दो कार्बन, दो एथिल, एक को हम क्या बोलते हैं एथिल, तो दो हैं यहाँ पर, तो कितने हैं एथिल, डाई एथिल, डाई एथिल ईथर। आसान है, तो यह तो हो जाएगा सामान्य नाम। अब दोस्तों हम समझते हैं आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम में आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट बात दोस्तों होता है एल्कोक्सी एल्केन से इसका नामकरण स्टार्ट करते हैं, मतलब कि जो भी कार्बन होता है उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा होगा, जैसे कि एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो उसको बोलेंगे मेथॉक्सी, दो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है तो उसको बोलेंगे एथॉक्सी, तीन के साथ में ऑक्सीजन है तो प्रोपॉक्सी, प्रोपेक्सी, प्रोपॉक्सी, ठीक है, इस प्रकार से बोलेंगे, ब्यूटॉक्सी, इस प्रकार से चार हो तो। इसके बाद में एल्केन, मतलब फिर जो जिसको जनक मानेंगे, जिसको मैन मानेंगे, ठीक है, इसको बाद में लिखते हैं। फिर यहाँ पर बात बोली गई कि बड़े एल्किल जो समूह होते हैं उसको जनक मानते हैं, जो मैंने बात बोली वही बात है कि जो भी बड़ा होगा कार्बन की श्रृंखला उसको जनक मानेंगे, मैन। तीसरी बात यह है कि अंकन वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, उधर से करते हैं जिधर से आपका ओ आर, इसको बोलते हैं दोस्तों एल्कोक्सी समूह। अगर यहाँ पर ए आर ओ ए आर होता तो इसको बोलते हैं एरिलोक्सी, ठीक है, एरिलोक्सी और एल्कोक्सी से कम संख्या मिले वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए एग्जांपल में, अब इसमें ऑक्सीजन के इधर एक कार्बन है, ऑक्सीजन के उधर दो कार्बन है, आपको जनक किसको मानना है, क्योंकि हम आईयूपीएसी नामकरण देख रहे हैं, तो जनक आपको मानना है इसको, इसको आपको मैन मानना है,
तो ये आपका प्रतिस्थापी के रूप में काम करेगा। अब इसका नामकरण एल्कोक्सी से करते हैं। तो देखिए एल्कोक्सी मतलब ऑक्सी, ऑक्सी तो लिखेंगे लेकिन कार्बन एल्क की जगह पर कौन है, एक कार्बन, एक के लिए हम क्या लिखते हैं मैथ, तो मैथोक्सी, मैथोक्सी आ रहा है समझ में बात। और कौन से नंबर पर जुड़े हुए हैं, काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पर ओ आर, तो ये है आर की जगह पर, ये है ओ की जगह पर, तो ओ आर, तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1 और 2, आ रही बात समझिए। तो 1 पर कौन है, तो 1 पर है दोस्तों, 1 पर है मैथोक्सी, 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 कितने कार्बन है 2, क्या लिखेंगे एथेन, ये इसके साथ ही लिखा जाता है बट यहां पर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिखता हूं एथेन। समझ में आ चुका है आपको, यहां पर देखो यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 3 कार्बन है, 1 2 3, तो आपको मेन किसको मानना है, जो बड़ा है उसको, ठीक है। फिर काउंटिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से ऑक्सीजन को कम संख्या, मतलब ऑक्सीजन ओ आर ये वाला समूह है, तो यहाँ से इसको काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो पहले नंबर पर कौन जुड़ा हुआ, देखिए ऑक्सी लेकिन कौन से 2 कार्बन, तो एल्क की जगह पर, एल्क की जगह पर 2 है, तो 2 के लिए हम लिखते हैं एथेन, तो ऑक्सीजन के साथ में लिखना तो एथोक्सी, ठीक है, एथ एथ प्लस ऑक्सी एथोक्सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 एथोक्सी, एथोक्सी। और फिर लास्ट में मेन जनक की बात करेंगे, 3 की कार्बन की चेन है तो 3 के लिए लिखते हैं प्रोपेन, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ईथरों का नामकरण करते हैं, ये इनके सामान्य नाम, ये इनके IUPAC नाम, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ में मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ क्योंकि बड़ा हो चुका है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंट, स्क्रीनशॉट ले लेना।